अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद का तो खैरियत से होंगे। मौसम बहुत बहुत प्यारा हो गया है। संडे का दिन है, अभी मैंने वीडियो बनाई सुबह और मैंने दुआ की कि अल्लाह मौसम तो प्यारा हो गया है, बादल काले आ गए हैं, तो काश थोड़ी सी बारिश हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल कर ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली वो पेट्रोल पर बनाने जा रहा हूँ। न्यूज़ सुन रहा हूँ काफ़ी दो तीन दिनों से कि पहले तो ये न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने जो है ना पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सस्ता कर दिया है, और आई गेस 75 पे उसका चला गया था, उसकी प्राइस चली गई थी। लेकिन 75 पे जाने के बाद क्या हुआ, आवाम तो बहुत खुश होगी कि माशाल्लाह इस गवर्नमेंट ने कितना अच्छा किया है कि उन्होंने प्राइसिंग जो है 75 पे कर दी है। ठीक है, आई गेस 100 प्लस था और वो 75 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा था, या 77 रुपीज़ लीटर के हिसाब से मिल रहा था। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, लोग बहुत खुश भी थे इस चीज़ से। लेकिन मज़े की बात क्या है, हमारे मुल्क में जो चीज़ सस्ती होती है तो वो मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हुई कि जैसे ही गवर्नमेंट ने प्राइस कम की, तो जो आपके ये ऑयल पंप्स हैं, PSO ले लीजिए, कॉलटेक्स ले लीजिए, टोटल ले लीजिए, जो मर्जी पंप ले लीजिए, या पीछे प्राइवेट पंप ले लीजिए, इन्होंने पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं किया। ठीक है, और 3-4 दिन तो मैं खुद भी, इवन मैंने पेट्रोल का भी पता करता रहा, मुझे पेट्रोल ही नहीं मिला। ठीक है, मैं डलवाने जाया करता था, लेकिन एक तो रश बहुत था, उसके बाद जब रश ख़त्म हो जाता था, जब पहुँचते थे तो कहते थे पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो 75 रुपये पर तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये मुझे बस एक समझ नहीं आई बात कि गवर्नमेंट ने सस्ता तो कर दिया लेकिन पेट्रोल अवेलेबल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो कह रहे थे जी पेट्रोल अवेलेबल नहीं, अवेलेबल नहीं है। और अभी कल रातों रात इन्होंने, मतलब कुछ ही घंटों में इन्होंने सर्कुलर भी खैर नहीं निकाला, बस अल्टीमेटम आ गया जी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई और वो 101 रुपये पर चली गई, 26 रुपये बढ़ी है। इतनी वैसे प्राइस जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं बढ़ी। और अब मज़े की बात क्या है, सबसे मज़े की बात यह है कि 101 रुपये का पेट्रोल हो गया है लीटर, और अब मिलना शुरू हो गया। अब वही पंप जहाँ पे 75 रुपये के हिसाब से नहीं मिल रहा था, अब मैं कहता हूँ स्पीडों से जाके मिलना शुरू हो गया है। भाई ये मुझे बस बात समझ नहीं आ रही, और ये मैं हर इंसान से कहता हूँ जो वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर समझाइए कि ऐसी क्या लॉजिक है कि 75 पे जब चीज़ होती है तो वहाँ मिलती नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं जी मिल नहीं रहा, पीछे से आ नहीं रहा, और जब आपकी वही चीज़ जो है 75 से चली जाती है 100 रुपये के ऊपर, या 101 रुपये पर चली जाती है, वो फ़ौरन से पहले अवेलेबल हो जाता है। ये बस मुझे बात समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने कहा मैं प्लीज़ पूछूँ तो सही ना लोगों से कि लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, क्या चक्कर क्या है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ने सस्ता किया तो मिल नहीं रहा, अब गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया, या पेट्रोल पंप्स वालों से बातचीत करके जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने महंगा होगा, इनका अपना मसला है, इन्होंने महंगा कर दिया और अब वो मिलना शुरू हो गया। हालांकि आलमी मंडी की बात उनको बाहर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर देखें तो पेट्रोल की प्राइस सस्ती है, हमारे मुल्क में ज़्यादा है। ये मुझे वैसे आज तक लॉजिक नहीं समझ आई, जब से पाकिस्तान बना है हमारे मुल्क में जब चीज़ सस्ती होती है तो चीज़ मिलना बंद हो जाती है, और वही चीज़ें महंगी होती है तो फ़ौरन से पहले मिलना शुरू हो जाती है। ये मुझे समझ नहीं आता। मेरी सब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी रिक्वेस्ट है यार, और लोगों से भी रिक्वेस्ट है। देखो ये वाकई में एक बात समझूँ, या हम एक बात अगर आप सर्च करूँ तो ये वाकई पूरा का पूरा ऑयल माफिया है। 75 रुपये में मिलता नहीं है, 100 रुपये में फ़ौरन मिल जाता है। इनको पता होता है ना कि यार प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, तो उन्होंने अपने पास रिज़र्व कर लिया, स्टॉक कर लिया, और अब देना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था 75 रुपये पर जहाँ बिकना है और जहाँ 100 रुपये पर बिकना है तो कितना फ़र्क है, 25 रुपये का प्रॉफिट कह लीजिए या मार्जिन तो उनको मिलना ही मिलना है ना। बहरहाल दुख वाली बात है, और जैसे हम ऑलरेडी इतनी न्यूज़ में मैं सुन रहा हूँ, एक तो कोरोना वायरस की वजह से इतनी हलाकतें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पेशेंट इतने बढ़ते जा रही है, फिर आटे का बहरान है, गंदम का बहरान है, चीनी का बहरान है, गरीब इंसान जो है ना, गरीब इंसान पिस रहा है और कोई नहीं पिस रहा, सिर्फ गरीब इंसान पिस रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करो, जितना हो सके उनकी मदद करो, जितना मुमकिन हो उनकी मदद करो, ये नेकी और अगर सवाब कमाना है तो यही एक तरीका है, लोगों की मदद करो। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे इस पर कॉमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, अगली दफ़ा कहने जा रहा हूँ कि मुझे इस पर कॉमेंट करके बताइएगा कि ये चक्कर क्या है कि आपकी जब गवर्नमेंट करती है 75 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल तो वो मिलता नहीं है। ठीक है, लोग, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद पेट्रोल दो तीन दफ़ा डलवा चुका हूँ, मुझे नहीं मिला। ठीक है, और नज़र आ रहा होता था कि पेट्रोल है, वो टैंकर भी आया होता है, पेट्रोल होता है, लेकिन वो देते नहीं है। ठीक है, क्योंकि शायद इन्होंने महंगा पीछे से खरीदा, तो अब सस्ता हो गया तो बेचना नहीं चाहते। ठीक है, और उसके बाद जब जैसे ही फ़ौरन ये महंगा होता है तो फ़ौरन से पहले अवेलेबिलिटी इनकी आ जाती है। ठीक है, तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखो हम एज बिंग अवाम, एज बिंग उम्मती, हम भी स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बात तो कोई इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा कि मैं कहूँगा एक महीना पेट्रोल लेना बंद कर दूँ, कोई इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा। वो कहेगा भाई ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वाली चीज़ है ही नहीं। अगर हम लेना बंद करते ना पेट्रोल एक महीना, लग पता जाएगा इन पेट्रोल माफिया वालों को, गवर्नमेंट को भी समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, अवाम मुत्तफिक हो गई है। ठीक है, यूनिटी आ गई है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ पे डबल रोटी थोड़ी सी महंगी हो जाए, अंडे थोड़ी महंगी हो जाए, हम लेना बंद नहीं करते। गोश्त महंगा हो जाए, मुर्गी महंगी हुई पड़ी हुई, हम लेना बंद नहीं करते, हम जा रहे हैं। क्योंकि हम एज बिंग ये यूनिटी हम कभी भी दिखाते ही नहीं है कि हमने यूनिटी, फेयर, डिसिप्लिन का जो हमने कहा था ना, हम उस पर कभी भी काम नहीं करते।
अगर हम इन चीज़ों पे काम करें तो यकीन कीजिए यही लोग अपनी प्राइसेस को कटेल करके उस प्राइस पे ले हैं जो रीजनेबल प्राइस और हर इंसान उस प्राइस को अफोर्ड कर रहा हो। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये होती है अगर हम इत्तेफाक दिखाएं, अगर हम इकट्ठे तरीके से मिलजुल के अगर हम एक हम डिसीजन ले लेना कि नहीं डलवाना पेट्रोल। ले अभी हम मैं कहता हूँ कि एक महीने के लिए पेट्रोल नहीं डलवाना भाई, ये 101 से नीचे ना आए तो मुझे बताइएगा, अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा। लेकिन अगेन इतना बड़ा यूनिटी वाला जो एक फैक्टर सबके अंदर लेके आना, ये बहुत मुश्किल है, ये आप नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कभी भी सक्सेस की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे कुछ भी नहीं करते, हम लोग अकेले इंडिविजुअल रह रहे हैं। है हमारा फैमिली सिस्टम, लेंगे हम रहते इंडिविजुअल हैं, ठीक है। जब हम इंडिविजुअलिज्म से बाहर निकलेंगे एज एन टुगेदर मिल के करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। बट खैर मुझे दुख इस बात का है कि जब चीज़ सस्ती होती है तो मुल्क में हमारे मिलती नहीं है, जब चीज़ महंगी होती है तो फौरन से पहले मिलना शुरू होती है। गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा गरीबों के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लीजिए, लिटरली गरीब पे सर है, ठीक है। और बहुत बुरी हालात हो रहे हैं कोरोना वायरस में, आगे मजीद हालात ख़राब होने वाले हैं, बद से बदतर होने वाले हैं। लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे कोरोना वायरस को, और अमवात हो रही हैं और उतनी ही अमवात हो रही हैं, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि मंजर आम पर नहीं लाया जाता कि कितनी डेथ हो रही हैं, लेकिन एक तो कोरोना को सीरियस लेना शुरू कर लीजिए, और दूसरा देखें ये आप ही के मुल्क के मसले हैं और आप ही ने इनको संवारना है, और कोई नहीं संवारेगा। पीछे से कोई ऊपर से कोई मुआवजा नहीं होगा कि पेट्रोल की प्राइसें सस्ती हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ और मैं देखता हूँ कि आवाम बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, और बस मुझे इस बात का सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि ये चक्कर क्या है कि पेट्रोल सस्ता होता है तो मिलता नहीं है, वही पेट्रोल जब महंगा होता है तो उन्हीं पंप से मिलता है जो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, यानी रातों रात जिसे कहते हैं अवेलेबल हो गए इनके पास पेट्रोल। एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे मैं गया, ठीक है, उनको पेट्रोल नहीं था, और जब ये न्यूज़ आई, इनफैक्ट हालांकि पहले तो यकम को आया करती थी, ये यकम को आपका पेट्रोल बढ़ता था, यहाँ पे तो दो तीन दफ़ा ही महीने में बढ़ना शुरू हो गया। ये तो नया ही कोई इन्होंने टोपी ड्रामा शुरू कर दी है कि जब मर्जी उठाओ मुँह उठाओ और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो, कभी कम करो, जितनी कम करते हैं उसे दुगनी तिगनी तो बढ़ा देते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती ना कि जितनी आप कम प्राइसेस करते हैं वो आप उससे डबल और ट्रिपल आप तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, और फिर अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, सस्ता होने पर अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, ठीक है। या ये आप लोगों के जो ऑयल माफिया है वो इस चीज़ को, या गवर्नमेंट अगेन, क्योंकि न्यूज़ में सुनो वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऑयल माफिया के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, ये कर दिए वो कर दिए। देखें भाई ये आप लोगों का कंसर्न है कि आपने घुटने टेके कि नहीं टेके, अवाम का कंसर्न है कि अवाम को चीज़ मिलनी चाहिए, अगर सस्ती की चीज़ मिलनी चाहिए। आटा सस्ता किया मिल नहीं रहा, चीनी सस्ती की मिल नहीं रहा, पेट्रोल सस्ता किया मिल नहीं रहा, अब महंगे हो गए फौरन से पहले मिलना शुरू हो गया। आटा आपका महंगा हो गया मिल रहा है, चीनी महंगी हो गई मिल रही है, पेट्रोल महंगा हो गया मिल रहा है, और जब यही चीज़ें सस्ती थी तो नहीं मिल रही थी। तो खुदा रहा इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान करें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, लोग मुश्किल में है, परेशानी में है, लोगों के मसले वैसे हल किए हैं, और जवाब दीजिएगा मुझे सारे बहन भाई के, ये चक्कर क्या है कि पेट्रोल सस्ता होता है तो मिलता नहीं है, महंगा होता है मिल जाता है ना। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा, मौसम इन्जॉय करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।